चलिए अब बात करते हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट की। तो देखिए, जैसे हम 3x3 मैट्रिक्स पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक स्पेशल तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं डिटर्मिनेंट निकालने का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, राइट। क्योंकि हम ऑलरेडी जब हमने लीनियर अलजेब्रा डिस्कस किया था, वहाँ हमने इस इनवर्स को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, उस जो मेथड मैंने सिखाया है उसका इंपॉर्टेंस आपको इस क्वेश्चन को देखने से समझ में आएगा, जो कि गेट में आया था। और देखिए, इस क्वेश्चन को हम उस अप्रोच से कितना जल्दी कर सकते हैं, ओके? तो मैं आपको फिर से बताती हूं, क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ आर इज इक्वल टू 1 0 -1 2 1 -1 2 3 2 3x3 की मैट्रिक्स है, देन टॉप रो ऑफ आर इनवर्स इज व्हाट, राइट। और ऑप्शंस हमारे पास में हैं, मुझे इस मैट्रिक्स आर के लिए इनवर्स निकालना है, मींस आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो निकालनी है, फर्स्ट रो निकालनी है, टॉप रो निकालनी है, राइट। अब ये क्वेश्चन टॉप रो के लिए, ये सेकंड रो के लिए भी हो सकता है, थर्ड रो के लिए भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में से किसी के लिए भी बन सकता है। आपको अप्रोच वही फॉलो करनी है जो अभी मैं बताने वाली हूँ, राइट। तो देखिए, जनरली हम क्या करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं, ऑलराइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एडजॉइंट वाले फैक्टर की। तो देखो, अब यहाँ एडजॉइंट, अभी मैंने 2x2 में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो समझाया था, अब यहां 3x3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आइए सीखते हैं। आप क्या करेंगे ना, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 0 -1, ये 2 1 -1 2 3 और 2। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको इसके फर्स्ट टू कॉलम्स को रिपीट करना है, तो ये बन जाएगा 1 0 और ये 2 1 और ये बना आपका 2 और 3। ये प्रोसेस ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ओके? यहाँ तक ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, 3 3 का पेयरिंग करना है आपको, यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई किया और ये नंबर लिख दिया 2, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, यहाँ नंबर लिख देंगे आप, क्या हो जाएगा, ये बन जाने वाला है 0 -1 और 2, तो यहाँ बन जाएगा कितना 0, फिर यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई किया 0 -1 और 2, यहाँ बन जाएगा -1 2 और 3, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में माइनस का 6, और फिर माइनस करके नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये बन जाएगा -2, ये बन जाएगा माइनस, ये बना आपका -2, नेक्स्ट में बन जाएगा -3 और उसके बाद बन जाएगा कितना स्टूडेंट्स 0, ठीक है। तो यहां से बनने वाला है आपके पास कितना 2 -6 -4, और यहां बन जाएगा आपके पास में कितना स्टूडेंट्स -+, और ये बन जाएगा 5। तो इस केस में इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 1, दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये प्रोसेस ऑलरेडी हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे लीनियर अलजेब्रा के पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिएगा, वहाँ हर एक चीज डिटेल में बताई गई है, राइट। क्योंकि यहाँ मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसीलिए मैं आ जाती हूँ वापस, कि ये जो मैंने अभी यहाँ पे किया था इसको हटा देते हैं। मतलब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक बार वापस सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, इनवर्स की बात करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इनवर्स के लिए पहले जो लिखा था एज इट इज लिख देते हैं, 1 0 -1 2 1 -1, ये बन जाएगा 2 3 और 2, ये बना 1 0, ये बना 2 1, और ये हो गया 2 और 3, राइट। ये काम होता है डिटर्मिनेंट तक का। अब आपको इनवर्स निकालना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रिपीट द फर्स्ट टू रोज। तो फर्स्ट टू रोज में बन जाएगा 1 0 -1 1 और 0, और ये बना 2 1 -1 2 और 1, ठीक है। अगर आप इस नए तरीके से डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं स्टूडेंट्स, तो ना सिर्फ आप इससे डिटर्मिनेंट जल्दी निकाल सकते हैं, बल्कि इनवर्स निकालने का काम भी आपका आधा हो जाता है। अगर इस तरीके से मैंने यहाँ अभी जो डिटर्मिनेंट निकाला, इस मेथड से मेरा आधा इनवर्स भी यहीं पर निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसके फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो रिमेनिंग हमारे पास रह रहे हैं उसमें हम 2x2 के माइनर बनाते जाएंगे, राइट। यही मेथड होता है, आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि टॉप रो ऑफ आर इनवर्स, इस मैट्रिक्स की सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप रो चाहिए। यहाँ से जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है।
आपको टॉप रो चाहिए तो सबसे पहले इस माइनर को सॉल्व कीजिए, कितना बन रहा है 2, और ये कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले को सॉल्व कीजिए तो ये कितना बन रहा है माइनस 2 और माइनस 4, तो माइनस 2 और माइनस 4 ये बन जाएगा माइनस 6। अब एक क्वेश्चन आया कि मैम आप तो सॉल्व तो कर रहे हैं रो वाइज और लिख रहे हैं कॉलम वाइज। यस बिल्कुल, यही की पॉइंट है, यही आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हम सॉल्व तो रो वाइज करते हैं लेकिन जब हम इसमें एडजॉइंट में वैल्यू लिखते हैं तब आपको कॉलम वाइज वैल्यू लिखनी है। ऑलराइट, सिमिलरली यहां बात कर लेते हैं, ये बन जाएगा 6 और माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो सॉल्व तो आपको करना है माइनस को रो वाइज लेकिन वैल्यूज लिखनी है कॉलम वाइज। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनवर्स। ठीक है, फिर अभी मुझे समझ में आ गई बात कि मुझे क्या मिला जब मैंने इसकी फर्स्ट रो को सॉल्व किया। मेरी बात आराम से सुनिएगा, जब मैंने इसकी फर्स्ट रो को सॉल्व किया तो मुझे एडजॉइंट वाला या इनवर्स वाले पोर्शन का फर्स्ट कॉलम मिला। ओके, अब मुझे क्वेश्चन आस्क कर रहा है कि इसकी टॉप रो निकालनी मतलब फर्स्ट रो निकालनी है तो मुझे क्या सॉल्व करना होगा, ओनली एंड ओनली फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम को सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम मतलब ऑलरेडी हमारे पास 5 आ चुका है फर्स्ट एलिमेंट। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे तो बन जाएगा माइनस 3 और 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 3, और जब नेक्स्ट की बात करेंगे तो कितना बन जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 1। तो इसका मतलब मुझे जो फर्स्ट रो चाहिए थी, जो टॉप रो चाहिए थी, वो मुझे मिल चुकी है, वो है 5 माइनस 3 और 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके डिटरमिनेंट से जो कि 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 5 माइनस 3 और 1। वैसे एक बात आपको और बताऊं कि जैसे ही हमने इसकी फर्स्ट रो को या फर्स्ट एलिमेंट जो मैंने निकाला पहले माइनर को सॉल्व किया स्टूडेंट्स, उसके साथ ही ये समझ में आ गया कि 4 में से 2 ऑप्शन गलत है। कौन कौन से 2 गलत है? ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, ऑप्शन ए और बी में से ही कोई आंसर होगा। वाई? बिकॉज इनका ही फर्स्ट एलिमेंट 5 बन रहा है। ओके, तो बहुत सिंपल सी अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चंस गेट में बन सकते हैं। अगर यहाँ इसने पूछा होता, अभी तो टॉप रो की बात कर रहा है, अगर इसने पूछा होता कि सेकंड रो बताइए तो आप क्या कर देते, सेकंड रो पूछा होता तो आप इसके सेकंड कॉलम को, सेकंड कॉलम मतलब ये वाला अप्रोच, क्या ये वाला माइनर, ये वाला माइनर और ये वाला माइनर, तो जब सेकंड रो पूछा होता तो आप इसके सेकंड कॉलम को सॉल्व कर देते, सेकंड कॉलम में जितने माइनर्स बन रहे हैं 2x2 के उनको सॉल्व कर देंगे। अगर इसने थर्ड रो पूछा होता तो हम थर्ड कॉलम को सॉल्व कर देते, थर्ड कॉलम में जितने माइनर बन रहे हैं 2x2 के उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको वो सारा तामझाम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम एडजॉइंट निकालने के लिए करते हैं जनरली। किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे आप? एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आपको हर एक का कोफैक्टर निकालना होगा, फिर कोफैक्टर निकाल के और उसके बाद उस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा और अल्टीमेटली आपको मिलेगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और फिर उस एडजॉइंट में से आपको टॉप रो बतानी है इनवर्स वाली। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा आपको काम करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द स्मार्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग 3x3 मैट्रिक्स का। अगर कभी भी इनवर्स निकालना हुआ अब यही अप्रोच फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इनवर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। अब एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो 2x2 की मैट्रिक्स में भी, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए आया है इनवर्स निकालने का, लेकिन गेट में पूछा गया और हम उसको बहुत स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके स्टूडेंट्स इसमें इनवर्स का ही रोल है, आराम से समझिएगा मेरी बात को। लेट ए इज इक्वल्स टू 2 - 0.103 और ए इनवर्स हमारे पास में है और क्वेश्चन आस्क कर रहा है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट? ऑप्शंस गिवन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए दो अप्रोच हो सकती है, एक जो सिंपल मेथड, जो जनरल मेथड हर एक स्टूडेंट फॉलो करेगा, वो सबसे पहले होगा कि हम सब जानते हैं a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू ये रही, a इनवर्स की वैल्यू ये रही, i की वैल्यू 1001 मतलब 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कंपेयर करा लेंगे दोनों तरफ से और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है ये। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप स्मार्ट अप्रोच से करना चाहते हैं तो देखो कितना जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हर एक बुक में इस क्वेश्चन का सलूशन इसी तरीके से होगा कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है। लेकिन अगर आप मैथ गेट पे आए हैं तो आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर सकते हैं, आइए देखिए क्या करना है आपको। ये जो भी गिवन है ये क्वेश्चन का ए इनवर्स है, हम इस गिवन मैट्रिक्स के लिए अपना खुद का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये गिवन मैट्रिक्स ए है, अभी अभी हमने मैट्रिक्स ए का
टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा है। कितना जल्दी इन्वर्स निकाल सकते हो? इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है? इन दोनों को तो करना है इंटरचेंज, तो ये बन गया 3, ये बन गया 2, और इन दोनों के करने हैं साइन चेंज। तो यहाँ अभी अगर माइनस 0.1 है तो ये बन जाएगा 0.1 और ये बन गया 0, और साथ में इसको इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कराना है, 1/2 कराना है, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट कितना, 6 - 0 दैट इज इक्वल टू 6, तो इसका डिटरमिनेंट हो गया 1/6। ऑलराइट, अब आप इसका, ये आपका ए इनवर्स है और ये क्वेश्चन का ए इनवर्स है, दोनों को कंपेयर करा लो, आपका आंसर आ गया है। क्या करना है? ए इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बाय 6, ये बाय 6, ये बाय 6 और ये बाय 6। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, क्लियर दिख रहा है मुझे यहां से, स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.1/6, मींस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1/60 बन गया। और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू भी दिखाई दे रहा है, बी इज इक्वल टू कितना दिख रहा है स्टूडेंट्स, 2/6, ये दिख रहा है आपको, b is equals to 2/6, 2/6 मतलब 1/3 या 2/6 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब a और b की वैल्यू आपके पास है, आपको तो a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकाल देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा कितना 1, और यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाने वाला है स्टूडेंट्स, 21, ये बन जाएगा कितना 20, तो ये बन जाएगा 21/60 ऑप्शन में आ रहा है मेरे पास में कितना, 7/20, तो यस 7/20 7 times 3 से 20 times, तो 7/20 मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को तो देखते ही सॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ इसने इंडिविजुअल ए या इंडिविजुअल बी की वैल्यू भी पूछी होती तब भी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। मतलब मुझे यहाँ कंपैरिजन कराने की या 5 या 6 स्टेप्स लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि ए इनवर्स वैसे निकालना है जैसा हमने सीखा है, और हमने एक स्टेप में निकालना सीखा है, ए इनवर्स निकाला और सीधा यहाँ से ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, दोनों को ऐड कर दिया, खत्म काम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो किस पे बेस्ड थे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे स्मार्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस। मतलब हम ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनको हम स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, जिनके लिए हम शॉर्ट ट्रिक जो है डेवलप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर लीजिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू।